हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो दिस इज द जीएसटी सीरीज व्हिच वी हैव स्टार्टेड एंड ये जो है ये आपका पार्ट फोर है इसके पहले हमने तीन पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और काफ़ी सारे एम उसमें हमने डिस्कस किए थे जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट बिल्टअअप होने वाले हैं तो दिस सेशन विल भी हेल्पफुल फॉर दी नेट सेट स्टूडेंट्स द टी वाई स्टूडेंट्स बैफ स्टूडेंट्स बी स्टूडेंट्स सभी के लिए ये सेशन यूजफुल होने वाले हैं बिकॉज जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें जीएसटी सभी लोगों को है तो अभी हम जो पार्ट फोर को डिस्कस करने वाले हैं इसमें और कुछ एमसीक्यू उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो अगर आप नेट सेट की प्रिपरेशन्स कर रहे हो तो नेट सेट के लिए हर दिन रात को आठ बजे अन अकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पे लाइव सेशन्स होते हैं स्पेशल क्लासेस होते हैं प्री में ये सारे सेशंस है दिस होल मंथ आई एम गोइंग टू टेक लाइव सेशंस फॉर ऑल द नेट सेट स्टूडेंट्स दोजू आर प्रिपेयरिंग इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तो सबके लिए फ्री लाइव सेशंस हो रहे हैं तो अगर आपने अभी तक वो लाइव सेशंस में एनरोल नहीं किया तो एनरोल करें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी दो क्लासेस लॉन्च है आज का क्लास रहेगा बैंकिंग के ऊपर कल का भी क्लास रहेगा बैंकिंग के ऊपर बहुत सारे क्लासेस आने बाकी है तो आपने अभी, अभी तक अगर एनरोल नहीं किया एनरोल करें और अगर कोड पूछे आपको तो कोड मेरा नाम डाले राहुल मोहिले ताकि आपके फ्री सेशंस को अनलॉक हो जाए तो शुरू करते हैं आज का सेशन तो दिस इज माई प्रोफाइल यू कैन फॉलो मी ऑन अनएकेडमी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स तो इनमें से कौन सा पॉइंट गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं होता मोबाइल फोन्स लैंड आइसक्रीम या ज्वेलरी तो सिंपल चीज है गुड्स का डेफिनेशन क्या है anything which is movable is considered as goods excluding money and actionable claims ठीक है तो money और actionable claims को छोड़के बाकी सारे goods से जो movable है तो अगर हम ये ध्यान से देखें question को तो इसमें कौन सी चीज movable नहीं है तो आप कहेंगे sir simple है land is not movable तो land is not considered as goods ठीक है next point taxes in India are levied by parliament of India constitution of India CBIC या CBDT देखो CBIC क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स तो अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्निंग बॉडी जो है पहले सी था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स अभी वो सी बन गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स और सी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये गवर्निंग बॉडी है हमारे डायरेक्ट टैक्स के लिए तो टैक्सेस इन इंडिया कौन लेवी करता है लेवी कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही पावर्स दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए इसलिए हम ड्यूएल जीएसटी मॉडल फॉलो करते हैं इसमें सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों को राइट्स है जीएसटी कलेक्ट करने का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल इज एस्टैब्लिस्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंटर and state on important issue under the tax rates gstn gstc जीएससी टी जीएसपी टी ध्यान रखना तो जो भी एक काउंसिल एस्टैब्लिश करके रखा है जो सेंट्रल को और स्टेट को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा टैक्स रेट्स के बारे में और बाकी बहुत सारी चीजों के बारे में दैट इज कॉल्ड जीएसटीसी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जिसको हम कहते हैं फिर जीएसटीएन हमने लास्ट लेक्चर में ले लिया था जीएसटीएन का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ठीक है यहाँ पे इसका राइट right आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं अंडर विच ऑफ द बर्डन इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन तो ऐसा कौन सा टैक्स है जिसमें हम हमारा जो टैक्स का बर्डन है किसी और के ऊपर शिफ्ट करते हैं यही सिंपल चीज है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स वेल्थ टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट करते हैं ठीक है थीके? अभी मैंने अगर किसी से प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो मैं जीएसटी पेमेंट करूंगा जिसने मुझे प्रोडक्ट बेचा उसने बर्डन मुझे मुझे शिफ्ट कर दिया मेरे ऊपर अगर मैं किसी और को बेचूंगा तो मैं उसके ऊपर बर्डन शिफ्ट कर दूंगा दैट इज वाई इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन जीएसटी इज सप्लाई ऑफ द गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विसज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसज बोथ या नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसज राइट आंसर है इसका सप्लाई ऑफ सर्विसेज वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है इन जी एस टी इज सप्लाई ऑफ सर्विस तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में तो कॉम्पोजिशन स्कीम एक ऐसे टाइप की स्कीम है जो स्मॉल ट्रेडर्स को स्मॉल uh, ट्रेडर्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं तो इसमें रेट ऑफ टैक्सेस भी कम होते हैं अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर नॉन स्पेसिफाइड स्टेट्स मतलब हमारे कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वो और नॉन स्पेसिफाइड मतलब जो नॉर्मल स्टेट्स है वो तो यहाँ पे नॉन स्पेसिफाइड स्टेट्स के बारे में पूछ रहा है मतलब नॉर्मल स्टेट्स के बारे में तो नॉर्मल स्टेट्स के लिए टर्न की लिमिट क्या है वन पॉइंट फाइव करोड़ सेवेंटी फाइव लैक्स टू करोड़ और थ्री करोड़ तो नॉर्मल स्टेट्स के लिए ये जो लिमिट है वो है डेढ़ करोड़ की तो डेढ़ करोड़ के ऊपर अगर टर्न जाएगा तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते डेढ़ करोड़ तक टर्न रहेगा तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो और यही अगर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में पूछता तो वो था सेवेंटी फाइव लाख रुपीज ठीक है द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इज तो कॉम्पोजिशन स्कीम में जो रेट ऑफ टैक्सेस अप्लाई होते हैं देखो वैसे तो मैंने आपको फाइव टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ टैक्सेस जीएसटी में एप्लीकेबल होते हैं वो ऑलरेडी बताया है नंबर वन जीरो परसेंट हमारा टैक्स रहता था बराबर रोट फिर हमारा फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट ऐसे हमारे नॉर्मल केसेस में लेकिन जो भी पर्सन जो भी इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेगा अगर वो क्राइटेरिया में फिट होता है तो उसमें तो उसे, उसे इनमें से कौन से रेट ऑफ टैक्स लगेगा तो उसे इनमें से वन परसेंट फाइव परसेंट और सिक्स परसेंट का टैक्स रेट लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन तो एक परसेंट पांच परसेंट और छह परसेंट ये याद रखना ये आपके कंपोजिशन स्कीम में कवर अप होता है द टोटल टर्न ओवर इज रूपीज फाइव लैक्स इट्स स्टेट सेल जीएसटी रेट इज इट्स एन इंट्रा स्टेट सेल जीएसटी रेट इज सिक्स परसेंट देन द अमाउंट ऑफ सी जी एस टी विल बी देखो टोटल टर्न ओवर पांच लाख है और ये इंट्रा स्टेट सेल है इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट मतलब दो टाइप के टैक्सेस लगेंगे एक होगा आपका सीजीएसटी और दूसरा होगा एसजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड ठीक है तो अभी यहाँ पे फाइव लाख रुपीज का अमाउंट है और सिक्स परसेंट जीएसटी का रेट है अगर हम फाइव लाख रुपीज का सिक्स परसेंट ढूंढेंगे तो आपको आंसर मिलेगा थर्टी थाउजेंड लेकिन थर्टी थाउजेंड आपका पूरा टैक्स है और इन्होंने सिर्फ सीजीएसटी की अमाउंट पूछी है तो थर्टी थाउजेंड का हाफ जी होगा थर्टी थाउजेंड का रिमेनिंग हाफ एसजीएसटी होगा तो थर्टी थाउजेंड का हाफ कितना तो तो right अगर आपको यहां पे पूरा टैक्स पूछते तो तभी right answer होता the composition scheme के बारे में अगेन एक question आया है रेट ऑफ कॉम्पोजिशन फॉर होटल्स सप्लाइंग फूड इज तो जब हम होटल्स में जाते हैं फूड फूड के लिए जो फूड का जो बिल होता है वो बिल का बिल पे आप चेक कर सकते हो कॉम्पोजिशन के लिए रेट्स क्या क्या है ट्वेल्व परसेंट फाइव परसेंट नाइन परसेंट सिक्स परसेंट रेट है आपका फाइव परसेंट होटल सप्लाइंग फूड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडर टी रेफर्स टू बहुत सिंपल है सेंटर सेंट्रल कस्टम या क्लियर तो ध्यान रखना सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो बहुत सारे बच्चे इधर सेंटर कर देंगे सेंटर रॉन्ग है सेंट्रल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज द फुल फॉर्म ऑफ सी जी एस टी दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ नए एम सी की उसके साथ ताकि और आपके कंसेप्ट को रिवाइज हो सके जीएसटी के थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन भी दारे सेम ताकि सारे पीडीएफ सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू तो टाइम बेसिस पे मिलते रहे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फ्रॉम दिस लेक्चर बाय बाय टेक केयर एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर